अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पूछा है, युवाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी ध्यान की विधि बताने की कृपा करें। युवाओं के लिए सिर्फ एक घंटे दौड़ना ध्यान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि हो सकती है। प्रातःकाल सोकर उठते ही दौड़ना शुरू कर दो, इससे अच्छा ध्यान के लिए कुछ भी नहीं होगा। जब तुम प्रातःकाल दौड़ रहे होगे, उस समय संपूर्ण प्रकृति के साथ, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, चहचहाते हुए पक्षियों के साथ, सूरज के साथ, यहाँ तक कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देगा उन सब के साथ एक होने के आनंद से भर जाओगे। दौड़ना मनुष्य के अवचेतन की गहरी परत है। मनुष्य के अवचेतन में बहुत गहरे दौड़ने की वृत्ति समाहित है। प्रारंभ में मनुष्य शिकारी कबीलों में रहता था। उस समय शिकार करना और शिकार के लिए निरंतर दौड़ना मनुष्य के जीवन की सबसे बुनियादी बातों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी और हजार हजार सालों तक मनुष्य शिकारी रहा है। दौड़ना उसके जीवन का अभिन्न अविभाज्य अंग रहा है। अभी कुछ सौ सालों से मनुष्य ने दौड़ना बंद कर दिया और यही कारण है कि मनुष्य अब प्रकृति से टूट गया है। दौड़ते समय तुम्हारी सारी ऊर्जा प्रकृति के साथ एक हो जाती है और तुम प्रकृति का हिस्सा हो जाते हो। दौड़ने की वृत्ति मनुष्य के जीवन की सबसे गहरी परत है। दौड़ने की वृत्ति मनुष्य के भीतर जन्म के साथ आ जाती है। यह तो तैरने से भी बहुत गहरी वृत्ति है, क्योंकि तैरना तो सिर्फ सीखने की बात है, लेकिन दौड़ने की वृत्ति, इसके लिए सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में ध्यानात्मकता पैदा करने के लिए दौड़ने से अधिक उपयोगी और कुछ भी नहीं है। ये सरल भी है और सबसे अधिक प्रभावशाली भी। इसीलिए ऐसा कई बार पाया गया है कि तेज दौड़ने वाले दौड़ाकों के भीतर ध्यान की ऊर्जा ध्यानी व्यक्तियों से कहीं बहुत अधिक हो जाती है। जब आप दौड़ रहे होते हैं उस समय आपके भीतर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। लगभग एक मील दौड़ने के बाद आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि शरीर और मन के बीच का विभाजन समाप्त हो गया है। शरीर और मन बिल्कुल अखंड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब व्यक्ति शरीर और मन ऐसे दो खंडों में नहीं रह जाता, बल्कि व्यक्ति मनोदैहिक हो जाता है। वन बिकम्स साइकोसोमेटिक। दौड़ते समय सांस बहुत गहराई तक जाने लगती है, भीतर की तरफ भी गहरी और बाहर की तरफ भी गहरी। और गहरी सांस के साथ साथ सूरज की किरणें भी तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं। ये हवाएं, ये सूरज की किरणें, इनके माध्यम से संपूर्ण प्रकृति तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है और तुम इस प्रकृति का अविभाज्य हिस्सा बन जाते हो। तुम प्रकृति के साथ एक हो जाते हो। तुम अपनी स्वाभाविक अवस्था को उपलब्ध होने लगते हो। और जब तुम इस अवस्था में होते हो तो तुम्हारे लिए चिंता करना, सोचना संभव नहीं है। इसलिए दौड़ने का नियमित रूप से अभ्यास करने वाला व्यक्ति एक दिन पाता है अचानक उसके जीवन से चिंताएं विदा होने लगती हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ 3 महीने तक 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक नियमित रूप से दौड़ने का अभ्यास करते रहने पर आपके भीतर अकारण आनंदित रहने की वृत्ति पैदा हो जाएगी। आप पाएंगे कि आपके जीवन के तमाम प्रकार के भय स्वतः विसर्जित होने लगे हैं और धीरे धीरे
आप पाएंगे कि आपके जीवन में अद्भुत ढंग से प्रेम का प्रवाह होने लगा है। दौड़ने की क्रिया ध्यान बन जाए, इसके लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है, दौड़ते समय दौड़ने के अलावा आपका चित्त कहीं और जाए ही नहीं, आप सिर्फ दौड़ना ही हो जाए, दौड़ना दौड़ना सिर्फ दौड़ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप किसी दूसरे के साथ दौड़ रहे हैं, ऐसी अवस्था में दौड़ते समय स्पर्धा की भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमारा चित्त स्पर्धा भाव से इतना विषाक्त हो गया है, इतना कंपिटिटिवनेस हमारे भीतर आ गई है कि जब हम किसी के साथ दौड़ने लगते हैं, उस समय प्रथम आ जाने की, उससे तेज दौड़ने की और आगे हो जाने की वृत्ति हमारे भीतर उभरने लगती है। यह वृत्ति दौड़ने की क्रिया को ध्यान बनाने में सबसे बड़ी बाधा पैदा करती है। दौड़ते समय प्रतिस्पर्धा की भावना के आते ही दौड़ने की क्रिया खेल कूद बन जाती है, दौड़ने की क्रिया अब ध्यान नहीं रह पाती है, अब दौड़ना ध्यान नहीं बन सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, दौड़ते समय आत्म आलोचना की वृत्ति से भी मुक्त होना चाहिए। जब हम दौड़ते हैं उस समय स्वाभाविक रूप से आदतन हमारे भीतर ये भाव उठने लगता है कि हमें और तेज दौड़ना चाहिए, इससे भी ज़्यादा अच्छा दौड़ना चाहिए। कभी कभी ये भी भाव उभरता है कि सही समय पे दौड़ना चाहिए। तरह तरह से हम अपने दौड़ने की क्रिया का मूल्यांकन करने लगते हैं। ये मूल्यांकन करना दौड़ने की क्रिया को ध्यान बनाने में बाधा बन जाता है। इसलिए जब भी दौड़ें उस समय सिर्फ दौड़ने का आनंद लेने के भाव से दौड़ें, सिर्फ मज़े के लिए दौड़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ने के रोमांच के आनंद के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ने का और कोई लक्ष्य और कोई उद्देश्य नहीं है। दौड़ने की उपयोगिता अनुपयोगिता के विचार से पूरी तरह मुक्त हो जाएं और इस प्रकार दौड़ना ध्यान की एक सरलतम किंतु सर्वाधिक उपयोगी विधि बन सकती है। सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि उन सारे लोगों के लिए जो दौड़ सकते हैं और दौड़ने का आनंद ले सकते हैं।